देखिए, प्रमोद कृष्णन जी एक ऐसे कांग्रेस के नेता भी हैं, एक संत भी हैं, और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो समाज उपयोगी जो बात होती है तो कह देते हैं। अब उन्होंने पीछे कई बार राहुल गांधी जी के लिए भी कुछ ऐसी बातें बोले जो समझाने वाली थी, लेकिन मेरा मानना है अगर पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसी कोई बात कहे जिसमें अपने रास्तों को ठीक करने की बात है, तो रास्ते ठीक करने की बजाय उस आदमी को ही ठीक करने में लग जाए, तो फिर वही होता है जो प्रमोद कृष्णन जी के साथ हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस में जिनके मन में राम जी हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी से ही पूछते हैं कि आप राम जी को काल्पनिक क्यों कहा करते थे। तो ये समय ऐसा है कि राम जी खुद ही न्याय कर देते हैं। जो कांग्रेस की नीति है वो कांग्रेस के ही कई लोगों को नहीं भा रही है, यह स्पष्ट हो गया। जब राम मंदिर का उद्घाटन कांग्रेस के काफी विरोध कर रहे थे कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो राम मंदिर कहने कहीं विरोध कर रहे हैं। नहीं, राम जी का सपोर्ट करना कभी भी कांग्रेस का विरोध नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान राम पार्टी के मोहताज नहीं है, तो फिर ये कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की समस्या है, और उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है कि प्रमोद कृष्णन जैसा बड़ा नेता आज पुरस्कार पाने की जगह सजा पा रहा है कांग्रेस में। सर, आपने नमो हैट्रिक ये गुडनीज कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारे देश की आकांक्षा है, यहाँ जितने लोग हैं सब यही चाह रहे हैं कि नमो हैट्रिक हो। हैट्रिक मैंने तीसरी बार, तो हमने बनवा ही लिया क्योंकि देश की जनता चाहती है, हमारे टी शर्ट पे लिखा है, और 2024 में ये साकार होगा। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा विश्वास है। वही हमारा टी शर्ट भी कह रहा है, वही देश की जनता भी। अब की बार 400 पार।